कहना चाहूँगा कि संजुक्ता जी ने मौसम बदल दिया इतने खूबसूरत कलर्स और इतने खूबसूरत, बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगा। बधाई हो आपको। यहाँ तो सब सीजन है, सब सुर है। एंड आई थिंक संजुक्ता जी जो है उन्होंने मुझे ये जो नेचर और वाइल्ड लाइफ, क्योंकि मैं सेंट मैरीज माउंट आबू में पला हुआ हूँ फ्रॉम द थर्ड स्टैंडर्ड, तो मैं जंगलों में रहता था, मुझे ये सब, ये मेरा घर जैसा है। सो आई फील अमेजिंग जो आपने किया है, और जैसे रुचि ने कहा है ना, इतने कलर्स, इतने ये वाइब इज अमेजिंग। आई फील अमेजिंग, कंग्रेचुलेशन संजुक्ता जी, दैट आपने इतना सुंदर, मैं जैसे आई और रूप जी ने भी कहा कि कलरफुल लग रहा है सब, इतना ब्राइट है, वाइब्रेंट है, इट फील्स लाइक वी आर कनेक्टेड विद द नेचर अगेन। एंड लाइक संजुक्ता जी राइटली सेड दैट विद द डिप्लीटिंग एनवायरनमेंट, आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू पुट इट आउट एंड मेक अस रियलाइज कि ये कितना खूबसूरत है हमारा पूरा एनवायरनमेंट। या आई मीन वी ऑल शुड वर्क टुवर्ड्स कंजर्विंग इट, या एब्सोल्युटली, वेरी इंपॉर्टेंट, plant more trees save the earth, it's a time when music, painting and everything is coming together in one place. I know. Pray for Mother Earth. Is there any song you have in mind, Sanjukta? She sings well. Being a Bengali, she should. Yeah. Abhi to kuch nahi aa raha hai, not in front of all of you. Aisa kuch nahi hai, I think. Acha hum log मुझे लगता है कि सब आर्टिस्ट हैं, स्पेशली इंडिया, एवरीबॉडी सिंग्स, दे लव टू सिंग, सो ऐसे कि बेटर वर्स प्रोफेशनल नॉट, आई डोंट बिलीव इन दैट, इफ यू सिंग सिंग फ्रॉम योर हार्ट, ऑफ कोर्स ऑलवेज, बट आई वुड लव योर, प्लीज, मैं एक, इट बी माय ऑनर इफ यू विल, एक शेर आपको कि ना कलियां ही खिलती ना गुंचे चटकते, न मौसम खिजां के बहारों में ढलते, न बिजली चमकती न बरसात होती, न तुम पेंटिंग करती न ये बात होती, न कोयल ही गाती न दिल को लुभाती, न बुलबुल चमन में ये नगमे सुनाती, कली फूल बनती न भंवरा मचलता, न शम्मा के रोने पे परवाना जलता, ना आपसे हमारी मुलाकात होती, ना आप पेंटिंग करते, ना ये बात होती। Something from Lester, you sing or you found new friends today? I'm going to sing. जैसे संजुक्ता जी is like now my new friend. Yeah, of course. So I'm going to sing one song of mine जो बहुत से लोग आते हैं. And I'll sing with you. यारों दोस्ती बड़ी ही हसीन है, बिना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है। थैंक यू सो मच, सो ऑनर्ड, थैंक यू, थैंक यू, जो है ना आपके इस पे याद आ रहा है, ये वादियाँ, ये फिजाएँ बुला रही हैं तुम्हें, है ना, तो इतना अच्छा अच्छा आपने जो पेंटिंग बनाया है, इतने खूबसूरत कलर डाले हैं, इतना अच्छा एटमोसफेयर बहुत बहुत खूबसूरत, तो एक लाइन गाऊँ ये वाले, माइक लगा हुआ इधर, ये ऐसे चले, माइक लगा हुआ है ना, ये वादियाँ स्टार्ट इतनी अच्छी खूबसूरत पेंटिंग्स देख के मुझे एक मोहम्मद रफ़ी साहब का एक खूबसूरत गाना याद आ रहा है, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें।
खुशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। थैंक यू बहुत, मतलब इतनी अच्छी खूबसूरत पेंटिंग्स आपने बनाया, उसको देख के मेरे को थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू पृथ्वी जी, थैंक यू आप आए, वक्त बिताया हमारे साथ, बहुत खुशी हुई। करने के लिए बोलेंगे, स्टार्ट बोलने के लिए नमस्कार। मेरा नाम है रुद्रानी प्रसाद मंडल, लोग मुझे रुद्रा मंडल बोल के बुलाता है। संयुक्ता बारिक हम लोग का दोस्त है और बॉम्बे में एक बहुत नामी कलाकार है, पेंटर है, तो हम लोग एक साथ में पेंटिंग और कोई भी कला का प्रमोट करने के लिए काम करते हैं, उसको नाम है मिलन मंच। तो मैं वो मिलन मंच का मैं एक्चुअली मेन है, विंचर है, और संयुक्ता बारिक भी हम लोग का एक मेन पिलर है। तो पेंटिंग में जो मतलब द ग्रेटनेस है, जो बिग बिग पेंटिंग बनाने के लिए जो बनाना चाहिए, जो पावर होना चाहिए, वो स्ट्रोक संयुक्ता बारिक के पास है। आप लोग एक पूरा पेंटिंग देखेंगे तो उसको मालूम पड़ेंगे, और बहुत फास्ट वो पेंटिंग करते हैं संयुक्ता बारिक, जो बाकी लोग बहुत टाइम लगाता है, वो कैनवास के ऊपर ब्रश ब्रश पकड़ता है तो इमीडिएटली पेंटिंग बन जाता है। तो ये उनको एक बहुत बड़ा एक कामयाब है, एंड नॉट ओनली लाइक दैट, वो पेंटिंग को बहुत समझ कर काम के लिए बहुत यूज़ करते हैं। ही सी सेलिंग द पेंटिंग एंड दैट व्हाट आर द प्रोसीड्स सी इज गिविंग फॉर द कैंसर पेशेंट एंड फॉर द एड ऑफ कैंसर। सो मेनी लैक्स ऑफ रुपीज सी हैज कंट्रीब्यूटेड टू द कैंसर पेशेंट्स इन बॉम्बे एंड ऑल ओवर द इंडिया। सो हम लोग उनका आभारी है, इट इज़ ए ब्यूटिफुल एग्जीबिशन, आप लोग भी आ सकते हैं। एंड और एक काम, और एक चीज़ बोलने का है, सी नेवर लर्न दैट पेंटिंग फ्रॉम जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स और गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज कलकत्ता, सी इज ए सॉल्ट पेंटर। तो उनको पेंटिंग का जो कंपोजिशन, जो कलर जो रिदम का जो है, वो सब उनको दिल में बैठा था, इट इज़ ए सी इज़ ए बॉर्न आर्टिस्ट इन दैट वे। सो हम लोग सब उनको अप्रिसिएट करते हैं, आप लोग को भी अप्रिसिएट करते हैं, आप भी आइए देखिए जहांगीर आर्ट गैलरी में उनको पेंटिंग का मजा। थैंक यू। I've known Sanjukta for the past 25 years, and she has been a very, very hardworking lady, and started art a little late, but the way she has picked it up and the way she's progressing, it's absolutely amazing. She is going to go places, I know that. Thank you. बिल्कुल हिंदी में बात करें, इंग्लिश। सो आई हैव नोन संजुक्ता लाइक सुनीति यू नो फॉर द लास्ट टू डिकेड्स प्लस, एंड शी इज़ अ ब्यूटिफुल ह्यूमन बीइंग इनसाइड आउट एंड एब्सोल्युटली डेडिकेटेड एंड पैशनेट अबाउट आर्ट। एक्चुअली शी इज़ अ वेरी पैशनेट पर्सन, पैशनेट अबाउट एनीथिंग दैट शी विल डू। सो वो जो भी करती है बहुत ही शिद्दत से करती है, एंड अबाउट हर आर्ट आई वुड से दैट यू नो इट्स सो एज वी कैन ऑल सी इट्स रियली वाइब्रेंट एंड लाइवली, एंड यू नो वॉट एवर वी आर फीलिंग और इवन इफ वी आर लो, वन लुक एट हर पेंटिंग्स एंड यू सडनली यू फील हाई एंड यू फील एज इफ यू नो यू यू वांट टू लिव लाइफ। सो हर पेंटिंग्स आर रियली रियली वेरी, दे एक्चुअली टच यू, एंड I wish her a lot of success, and I wish that you know she grows and succeeds so much in life, and she's a rock star. It's a wonderful show, and it's inspired by nature, and I love the colors that she has used, and
there are multiple colors which we see in the nature, kind of inspired by impressionist art like Van Gogh, and that's wonderful. What kind of? She's a wonderful artist, and I think that nature inspires her, and the environment that inspires her. That's I think is wonderful. I don't know the artist personally, but it's what I can interpret is that I'm saying. Thank you. Forward. Thank you so much. Sanjukta ji ne bahut hi behtareen painting banayi hai. India Fine Art Concert ki taraf se unko bahut bahut aabhaar. Aur unka jo painting hai, ye sirf Bharat mein nahi balki videshon mein bhi inki demand hai. To hamari taraf se India Fine Art Concert ki taraf se unko bahut bahut shubhkamnaen. Thank you. More than a decade, and there has been a subtle change in her heart. Of course, her prime inspiration is the nature and different moods of nature. Here today you can see the seascapes, the landscapes, and I think some flowerscapes are also there, and some paintings which has a little bit of reflection of impressionism, but you cannot club them with any isms, because she cross all these things, and it's a perfect now you can say the confluence of realistic landscape and abstract landscape. So some of the landscape are still realistic landscapes, and few are going towards little bit of abstraction. Her journey has been from last 10 to 12 years is inspiring, and the way she has taken her artworks, her inspiration on the canvas is amazing, and I wish her all the best. Thank you. संयुक्ता को हम लोग बहुत दिन से जानते हैं, हम लोग का फैमिली फ्रेंड भी है, और उनका काम से हम लोग बहुत दिन से ही कैसे वर्क को डेवलप किया उसके बारे में भी बहुत अच्छे से जानते हैं, और काफ़ी इंटरेस्टिंग काम है, और मोस्टली लैंडस्केप में ही उनका सब्जेक्ट है, और जैसा तरीका से कलर यूज़ किया वो बहुत ही बेहतरीन तरीका से कलर यूज़ किया, और बहुत बैलेंस है, और सब्जेक्ट भी बहुत क्लियर है, और जो निसर्ग चित्र बोलते हैं ना, तो उसका निदर्शन कुछ कुछ पेंटिंग में बहुत ही अच्छा दिख रहा है, जो बहुत आई कैचिंग है। तो पूरे लॉकडाउन में मतलब वो अपने इस काम के लिए बिजी रही, मतलब पूरा काफ़ी अच्छा काम निकाला है, और काफ़ी वाइब्रेंट कलर्स और बहुत बहुत ब्यूटीफुल काम उन्होंने किया है। हेलो, और कलर में जो स्टोक यूज़ किया है वो टेक्सचर वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, हाँ हाँ, कलर बैलेंस भी बहुत अच्छा से यूज़ किया है। पेंटिंग्स आर फुल ऑफ लाइफ, वाइब्रेंट कलर्स, वेरी पॉजिटिविटी है उसके अंदर। हाँ, थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन टू संयुक्ता बाड़ी, शी इज़ एक्चुअली माय रिलेटिव, माय ब्रदर इन लॉस डॉटर, तो वी आर एक्चुअली फैमिली, and her work, her paintings always for us it is the beautiful thing, and she actually motivates all our next generation, her brothers, sisters, so all we inspired by her. And what else can I tell? Again,
So I've known Sanjukta, she's a very, very old friend of mine, and we go back for more than 20 years. We are really, really proud that she's put up this great exhibition. She has been painting for many years. She contributes to cancer charity, and you know, we are really very proud, and we are feeling very good looking at all the paintings. Thank you very much. Points, and it is called pointillism in the art world. And some of her paintings reminds me of Bendreji's works. And Bendreji used to do works like these. Of course, she has more contrast than Bendreji had more pastel. But definitely, they are very pleasant to look at. I'm very happy. And I look forward to her more works in the future. Thank you.